नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी होंगे। और मैं नीतू स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का। और आज है मकर संक्रांति, तो आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और अंश भी हमारे साथ पूजा कर रहे हैं। तो बने रहिएगा एंड तक आप हमारे वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो न्यू है हमारे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। तो आप लोग कैसे मनाएं मकर संक्रांति तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स मटर पनीर की सब्ज़ी। तो एक साइड हमने दूध रखी हुई है और एक साइड हम सब्ज़ी बनाएंगे मटर पनीर का। तो मटर पनीर बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम क्या लिए हैं। यहाँ पे टमाटर, प्याज है, अदरक लहसुन और मिर्ची है, मटर है, पनीर है। तो पनीर को हम कटिंग करेंगे बाद में, पहले मटर को उबाल लेती हूँ, उसके बाद हम पनीर को कट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर को हम कट कर रहे हैं। पनीर की, मटर पनीर की सब्ज़ी आप किसी भी तरह बनाते हैं तो मटर की पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। जैसे भी बनती है मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप जो भी तरीका से बनाएं तो अच्छी लगती है और सबको पसंद है, तो हम लोग को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मटर पनीर की सब्ज़ी आप पूरी के साथ में भी खा सकते हो, जीरा राइस, सादा चावल, पूरी, पराठा, रोटी सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो ये मेरी तेल गर्म हो गई थी तो हम उसमें जीरा, तेज पत्ता और कुछ सूखे मसाले थे गर्म मसाले, वो मैं डाली थी। और फिर उसमें मैं हल्दी और मिर्ची पाउडर डाली हूँ, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट है तो इसे फिर मैं डाली हूँ। और थोड़ी सी इसे मिला देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर का जो पेस्ट बनाए थे वो। तो दो बड़े टमाटर हैं ये और दो प्याज हम पीसे थे और अदरक लहसुन हम पीसे थे और हरी मिर्ची, तो यही सब का पेस्ट है फ्रेंड्स। तो इसे हम भूनेंगे और उसके बाद देखिए हम इसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर। और बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप बताइएगा मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी कैसे बन रही है। और फिर मैं डाली हूँ मरीच की जी होती है पाउडर, वो डाली थी। और देखिए भून जाने के बाद फिर इसमें डाल रही हूँ मटर। मैं सिंपल सा बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे बन रही है हमारी सब्ज़ी। और देखिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी हुई है। और फिर इसमें मैं थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी और फिर देखिए मैं इसमें पनीर डाल दी हूँ फ्रेंड। तो जो न्यू है हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई, मटर पनीर की सब्ज़ी। ज़्यादा टाइम नहीं लगती है बनने में और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। तो सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। देखिए आज के दिन कहीं पे दही चूड़ा खाया जाता है, कहीं पे खिचड़ी खाया जाता है, तो मैं खिचड़ी भी बनाई हूँ फ्रेंड्स। और अभी बनाई नहीं थी, बनाऊंगी। तो देख लीजिए मेरी सब्ज़ी बन गई है। और हमारे घर सभी का तबीयत ख़राब है जिससे कि हम लोग दही नहीं मंगाए थे, क्योंकि सभी का तबीयत ख़राब है घर में, बच्चों का भी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है आपसे मैं कुछ बातें कर रही थी। और ये देखिए, ये हैं हमारे भैया जो कि बहुत दूर रहते हैं हम लोग से, बस फ़ोन पे ही बातें होती है। और भैया हमारे बहुत दूर में रहते हैं, अभी नहीं बताऊंगी मैं मेरे भैया कहाँ रहते हैं,
तो प्लीज़ आपको ये वीडियो मेरे भैया का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मेरे भाई दूर रह कर के भी मकर संक्रांति का त्यौहार अच्छा से मना रहे हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। ये हैं हमारे भैया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सब्जी बनने के बाद मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो ये खिचड़ी फ्रेंड्स, तो आ जाइए आप लोग भी खिचड़ी खाने के लिए और मटर पनीर की सब्जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और हमने तिलवा तिलकुट सभी चीज़ मंगाई थी, बस दही नहीं मंगाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि घर में सभी का तबीयत ठीक नहीं है इसी वजह से। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर वॉचिंग, टेक केयर।